हेलो दोस्तों, इहान मेडिकल नॉलेज में आप लोग स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैनाकॉर्ड इंजेक्शन जो 40 mg में आता है। कैनाकॉर्ड इंजेक्शन क्यों यूज किया जाता है और उसके किस बीमारियों में ये दिया जाता है, आज आप पूरा डिटेल्स आप लोग को बताऊंगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे, डेली अपडेट आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को पूरा नॉलेज मिलेगा। कैनाकॉर्ड इंजेक्शन जो 40 mg का आता है, ये कहाँ कहाँ यूज करता है, किस बीमारियों में यूज किया जाता है। कैनाकॉर्ड इंजेक्शन आपका अगर जॉइंट में आपका पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, अगर स्वेलिंग हो गया पूरा, ये जॉइंट में स्वेलिंग हो गया है, पूरा दर्द हो रहा है, तब कैनाकॉर्ड 40 mg इंजेक्शन दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। कभी कभी आपको अगर एलर्जी हो गया, स्किन का प्रॉब्लम हो गया, लॉन्ग टाइम हमने मेडिसिन यूज किया, लॉन्ग टाइम अपने ट्रीटमेंट किया स्किन की, आपको अच्छा नहीं हुआ, जैसे खुजली, आपका खुजली होता है, पूरा बॉडी आपका खुजली से स्किन डिसकलर हो गया है, और दांत हो गया, दांत पूरा घाव जैसे हो गया स्किन में, एलर्जी आप खुजली ज़्यादा होने के बाद घाव जैसे हो गया स्किन आपका, तो ये यहाँ दांत भी हो गया है, पूरा इरिटेशन, जलन भी होता है, जब खुजली होता है तो जलन इरिटेशन होता है, तब ये कैनाकॉर्ड इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो ये दो जगह में यूज किया जाता है, एक जो स्किन का प्रॉब्लम होता है, दांत हो गया, ये यहाँ पर कैनाकॉर्ड 40 mg यूज कर सकते हैं। अगर आपका जॉइंट में प्रॉब्लम है, जॉइंट हाथ में, पैर में, कहीं भी बड़ी किसी भी जॉइंट में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ कैनाकॉर्ड 40 mg इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो इसका कहाँ यूजेस क्या है उसका बता दिया, अभी उसका डोजेस क्या है, इंजेक्शन कैनाकॉर्ड इंजेक्शन डोजेस क्या है, या आपको अगर आज इंजेक्शन लिया आपने तो 7 दिन आफ्टर 7 डेज और एक इंजेक्शन लेना, उसके बाद आपको लेना है इसी तरह 4 इंजेक्शन लेना है, 4 वीक्स जो 4 हफ्ते, जो आफ्टर 1 वीक्स 1 इंजेक्शन दिया जाता है, इसी तरह 1 महीना लेना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर द्वारा उसे 1 महीना दर महीने दिया जाता है। तो ये लेने से आपका तुरंत जॉइंट पेन, इरिटेशन, खुजली, दांत और ये सब तुरंत आराम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा, नॉलेज आप लोगों को मिला, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।